लुटेरों ने शराब भट्टी को बनाया निशाना, सुरक्षा कर्मियों को बांध कर लाखों रुपए ले उड़े लुटेरे। सरगांव के शराब दुकान में 6 से 7 अज्ञात डकैतों के द्वारा 2 सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर सेफ लॉकर में रखे लगभग 9 लाख रुपए लॉकर सहित डकैतों ने डकैती कर ले भागे। सरगांव के देसी विदेशी मदिरा दुकान में 15 तारीख को लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास 6 से 7 संख्या में डकैतों ने धावा बोला और 2 सुरक्षा कर्मियों को रस्सी से बांध कर लॉकर को तोड़ने का प्रयास किया। जब लॉकर नहीं टूटा तो लॉकर सहित उसमें रखे लगभग 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं डकैतों ने सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी में भी तोड़फोड़ की और साथ ही सीसीटीवी की डीवीआर को भी ले गए। पारा देसी विदेशी शराब दुकान में 15-16 की दरमियानी रात को तिजोरी में बिक्री रकम के सुरक्षा गार्डों को मारपीट कर लूट कर ले गए हैं, जिसकी थाना में सेल्समैन द्वारा रिपोर्ट की गई। अपराध क्रमांक 9/2022 धारा 395 पंजीबद्ध किया गया, जिसमें दोनों सुरक्षा गार्ड को डंडा से पीट कर उनके मोबाइल को भी लूट कर ले गए हैं और लगभग 9 लाख रुपए तिजोरी में था उसको भी लूट कर ले गए हैं, जिस पर तत्काल डॉग स्क्वाड बिलासपुर एवं मुंगेली के फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एवं साइबर सेल एक्सपर्ट सभी मौके पर बुलाए गए और अपना अपना वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण और जांच प्रारंभ किए हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले। वहीं अज्ञात डकैतों की पतासाजी के लिए मुंगेली पुलिस और बिलासपुर पुलिस के डॉग स्क्वाड की टीम ने सरगर्मी से खोजबीन में जुट गई है और चौक चौराहे में नाकाबंदी की गई है। वहीं एडिशनल एसपी साधना सिंह ने बताया कि मुंगेली पुलिस की एक टीम गठित की गई है, जहां जल्द से जल्द डकैतियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, सीजीविजन टीवी।